क्या हुआ? धोले कर रहा हूँ नाश्ता। देख रहे हो इतना लेट आज। और भाई कैमरे में थोड़ी सी ब्लर है सारी, पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो ये देखो आज रायता और आलू के पराठे चल रहे हैं भाई। सही है लड़के, ना लिया तूने? इसने ना लिया। उधर उनके भी चल रहे हैं दीदी के। एक भाई वो बैठा बेचारा, उसको नहीं मिलता खाना और एक मुझको नहीं मिलता खाना। देख रहे हो मम्मी उन दोनों को दे पड़ी है। सही है मम्मी, कोई बात नहीं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई है अब। एंड गाइस कल भी वही हुआ जो डेली होता है। आज भी वही हुआ। तीन बूंदे बरसी, वो भी मेरे चेहरे के ऊपर, ठीक है। और एक दो और महान लोग होंगे जिनके ऊपर बरसी, और शायद फिर बादल चले गए। अब देख रहे हैं मौसम भाई, कल तक बादल तो दिख रहे थे, आज वो एक दो ही दिख रहे हैं बस। और पूरा धूप, पंखा नहीं चल रहा भाई, पता है क्यों? किस्मत देख रहे हो, किस्मत लाइट आ रही है, वोल्टेज इतने हाई, मतलब इतने लो आ रहे हैं ना, इतने आ रहे हैं, देखो 150 वोल्टेज आ रहे हैं और आने चाहिए 220। आप मुझे मम्मी खाना दे लो, मम्मी प्लीज फटाफट खाना। अभी रुको, अभी देते हैं, अभी पहले उन दोनों को तो निपटा दूं। अरे निपटा रही हूं आप सबको, अभी उन दोनों को दिलाते हो फिर उसका तेरा नंबर। वैसे इतनी गर्मी हो रही है। हां तो खाओ, तुम भी खाओ, चलो 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 चलो। और तुम्हारे भाई का गेटअप देख रहे हो, वैसे शीशा तक गंदा हो रहा है और गेटअप देख रहे हो, नीचे निक्कर में ऊपर ये फुल गर्मी में ब्लैक ब्लैक में चल रहा हूँ। और मुंह देखो इतना साफ, क्लैरिटी आई होगी लग रहा है मुझे। खाना आ चुका है, आलू के पराठे एंड रायता। वो लोग भी आ चुके हैं, यहाँ खाना पीना चल रहा है सबका। बैठे हुए थे हम लोग, हमारा पढ़ाई वढ़ाई भी हो गई अपनी, और टाइम हो रहा है 1:30 नहीं 1:30 बजने वाला है, 1:10 हो रहा अभी तो। और जो चलते हैं ऊपर, ये पापा कुछ काम करते हैं, हेल्प कराते हैं पापा की। बड़े बुलाने आए मुझे भाई। देखो अभी हम दोनों भाई आए हैं छत पे, हमें आज टास्क मिला ही है साफ़ करने का। क्या टंकी इतनी गंदी हो रही भाई, कैसे नहाते होंगे हम लोग, लेकिन वो साफ़ होकर आ जाता है नीचे पानी। ये देख रहे हो, अभी हड्डियाँ दिखेंगी आप लोगों को, इस पर गौर मत करना। हाँ ये बॉडी बिल्डर बॉडी। देखो एक पैर मैंने डाल दिया इसके अंदर, और लेकिन ये पानी मोटर तो बंद करवा भाई तू यार, ये गंदगी देख रहा है, ये कहाँ से आ गई इसमें? कर दी, पानी आ रहा है लेकिन मेरा अरे अंदर घुस गया पानी यार। तो भाई देखो अभी तो मैं चढ़ा हुआ था, लेकिन ऐसे हो नहीं पा रहा है, अभी काटनी पड़ेगी टंकी, टंकी मतलब पाइप काटना पड़ेगा ये वाला, फिर यहाँ से। ब्लेड में ना धार नहीं है बिल्कुल भी, तो ले के आना भाई। जा तो जा रहा हूँ अभी। हाँ एक सॉकेट लाना, हाँ ठीक है, हाँ और एक पीला वाला चिपकाने वाले है ना, वो स्लोचन आता है, हाँ और एक एक्सपायरी। ठीक, दिक्कत हो रही है मेरा, मेरा कैमरा मतलब बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहा है, फिर कैमरा तो कहाँ ही है, फ़ोन है मेरा, वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर जा रहा है, यार वीडियो छोड़ जा रही है। और यहाँ पापा और मम्मी तो बैठे खाना खा रही है, पापा बैठ के अपने ब्लॉग देख रहे हैं यहाँ पर, गम वाले ब्लॉग, गम वाले है ना। सामान ले लिया है, और यार एक अच्छी बात है, अब पता है पॉली बैग स्टार्ट होगा, पॉलीथिन पूरी पूरी बंद हो गई, ये अच्छा करा, ये चीज़ चल गई भाई पीछे यार, इतना गर्म हो रहा है ये। सो गाइस ये देखो कच्चा गैंग का मेंबर हुआ ये, पापा ने रखा ये और नीचे गिर गया, और पे सामान आ चुका है। ये देख ये फ्रूटी, आराम से पियेंगे अभी सब, देखना और क्या सब पियेंगे अभी। एसिड है, एसिड है, ओए एसिड है भाई, एसिड है मम्मी, ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ। चलो गाइस हम भी चलते हैं ऊपर, हमारे पापा मम्मी कितने मेहनती हैं यार, अकेले चाहिए तो ये है क्यों मम्मा, कितनी गंदगी है, हम मतलब नहाते नहीं है, नहाते थोड़ा ना है। माँ बेटे कितनी मेहनत कर रहे हैं आज, इतनी गर्मी की धूप में, सड़ी गर्मी पड़ रही है, सड़ी गर्मी। हमने पानी डाला ना, अब वो कितना क्लीन लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लीन क्लीन है, थोड़ा बहुत गंदा, वो एसिड से निकल जाएगा ना। पापा मम्मा को भिगाए पड़े हैं, तू तो तू खुद दिख रहा है, देख रहे हो कच्चे के अंदर पानी जा रहा है भाई, चल ठंडक मिल रही होगी तुझे, फील सो गुड। ये है
जब ये टंकी के अंदर जाएगी तो बिल्कुल ऐसा कर देगी ना टंकी को, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। असली चीज़ को डालने का इसमें भाई, लेकिन पैकिंग बड़ी अच्छी आ रही है तेज आपकी ना, ऐसे कोई मतलब कोई कुछ गलत चीज़ नहीं कर सकता इससे। डाल दिया पापा ने, धुआं देखो, धुआं देखो भाई, देखो पापा ने एक और बॉटल डाल दी इसके अंदर, अब बराबर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। धुआं आया देखिए अपना लगे हुए हैं, बिल्कुल साफ सफाई करने में आज नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, रहने दो ना। मैं नहीं सेंड कर पाया तो तू क्या सेंड करेगी, सही बात है। और क्या तो मम्मी अम्मी की मर फलाना फलाना सब कुछ करके, रहने दो रहने दो। तो पता है ऐसे करना नहीं चाहिए वरना सांस सांस फैल उखड़ जाती है। पापा का मतलब ना दम घुट गया था पूरा, वो तो फिर दादी आ दी थी उनको बताना क्या करना है, उन्होंने सही कर दी थी वरना। अभी इसलिए हम मम्मा से मना कर रहे हैं मत करो, अभी मैं भी कर रहा था पापा ने मना कर दिया उससे करने को। वो तेजाब की बॉटल से कुछ नहीं हो रहा भाई, बहुत हार्ड जो गंदगी जमी ना, सालों की गंदगी है वो। तो ये पापा कह रहे हैं दो बॉटल और, अभी जाकर मैं दो बॉटल और तेजाब की लाया हूँ भाई, छोटी छोटी हो गई इसलिए कम पड़ जा रही है ऐसा लग रहा है, पहले बहुत बड़ी बड़ी आती थी। देखो तीसरी बॉटल, अब आराम से डालना, आपका वैसे हाथ कट गया अभी, वो कहता पापा का हाथ कट गया वैसे अभी, आराम से डाल। वो देखो वो निकल गया उधर से, निकल गया भाई इस साइड, वो निकल इतनी सारी गंदगी लेकर आया है, इतनी सारी गंदगी। हाँ यहाँ पर दिव्यांश से गलती थी, एसिड की बॉटल गिरोई, और ये देख रहे हो छत, ये छत क्या है और ये छत क्या है, तो कच्चे में तो अकेले कच्चे कहेंगे, एक पापा भी निकर पहने, मैं भी निकर पहना हूँ, तो अकेले कच्चे में घूम रहा है। अभी भैया और पापा ऊपर काम कर रहे हैं, मिठी हर्षित और मिठी हेलो करो, कैसा लगा, आप पहली बार आ रहे हो हमारे यहाँ तो यही रुक जाओ। बंदर ने खाड़ के फेंक दिया था और पता नहीं क्या क्या करके जाते होंगे भाई, पॉटी सुसु पता नहीं क्या क्या करते होंगे यार, वो की बता जा रहा हूँ। नीचे आप लोगों को मिलवाई दिया होगा दीदी ने, सभी से मिट्टी से मिला दिया होगा, हमारी छोटी बहन ने आना पुनता हो गया, और चलो अब चलते हैं नीचे। यहाँ बच्चों की पार्टी चल रही है जिसमें दीदी भी शामिल है, और नाना लोग अपना पापा लोग बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, कोई मतलब जो बुजुर्गों वाली बातें होती है ना वो चल रही है इधर, और इधर बच्चों की पार्टी चल रही है आराम से। मुझे नहीं खिलाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे ये समोसे लेकर। एंड ये देखो अपना ठग लाइफ, जब ठग लाइफ पे वो दे रहे, लेकिन मज़ा आ गया यार, ऐसा लगा ठग लाइफ वाली फीलिंग आ गई, मैं लगाया तो नहीं लेकिन देखा भाई ऐसा लगाना नहीं चाहिए ना किसी का भी, बच्चा कहीं गुस्सा हो गया तो फालतू, मेरा वैसे ही सब्सक्राइबर है वो, कहीं सब्सक्राइब कर दिया तो फिर आखिरकार ये भी मांग के ले आया आपसे ठग लाइफ वाला चश्मा, दिखा एक बार इसका है। अब देखो मैं भी ठग लाइफ में आ गया, उसको देखा इस भाई ने छीन लिया यार, तू बड़ा अच्छा लगता है मुझे गोल मटोल, कितना क्यूट है यार, है नहीं है क्यूट, दूर की भाग रहा है। नाना भाई कर दो, नाना भाई जय करो, जय जय, हाँ वेरी गुड, मन तो करे नहीं, चलो नाना बाय बाय फिर, बाय 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 बाय। अरे तुम भी जा रहे हो, मामा लोग तो चले गए थे, मामा और नाना ठीक है, और उसे अब ज़्यादा में बहुत ज़्यादा थी कि कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं, फिर सो भी गया था मैं, फिर मेरा अभी थोड़ा सा एक काम निपटा कर आया, मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कर लेते हैं। तो मम्मी ने बना ली सबके लिए रोटी, मम्मी सब्जी क्या है बेटा, परवल बनाई है मैंने, वैसे तुम लोगों के लिए पनीर और मटर की सब्जी जो कि नाना लोग लेकर आए थे, हमारे मतलब हमारे और फैमिली मेम्बर्स नहीं खाएंगे, करेला था तो अब ननिहाल से तो आता ही है भाई, मतलब हमारे और मेरे जो पापा मम्मी बड़ी मम्मी और वो सब नहीं खाएंगे ठीक है, बच्चे खा सकते हैं जैसे मैं दीदी और हर्षित और एक कप्पू मतलब दिव्यांश, कुछ ऐसा है कि दीदी के साथ जाना तो काम है यार, कहीं जाना है, मैंने चल मैं ही चल रहा हूँ, कहाँ भेजो के देश बेचारी को, वो देखो फिर चली गई। क्या हो गया इसके गोलू आज, देखो आज हमारा यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, पापा लोग देख रहे थे भाई, 3 विकेट हो गए 43 पे, ओ भाई 3 विकेट हो गए यार 43 पे, कुछ चेंज है ठीक है, मैं नहीं गया देखा क्योंकि दीदी हर्षित की और दिव्यांश हर गई, मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यार बहुत सारा मतलब होमवर्क मेरे पास अभी पड़ा है, और तो कल पहला सोमवार है हमारे सावन का,
और इसलिए अभी कुछ पता भी नहीं कि ऑफ रहेगा स्कूल या नहीं रहेगा। पता सिर्फ हमारा स्कूल ऑफ रहता है क्योंकि हमारे स्कूल की तरफ एक मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर मंदिर है, टी वी नाथ मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस टाइम, मतलब पहले सोमवार के दिन तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए हमारे स्कूल की तरफ हॉलीडे रहती है। लेकिन मतलब पहले तो हॉलीडे रहती थी लेकिन अभी इस बार कोई मतलब मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया, ना ही नोटिस आया स्कूल की तरफ से कि हॉलीडे है या नहीं है, तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं हॉलीडे होमवर्क निपटा लूँ, अगर छुट्टी होगी तो फिर अच्छी बात है, वरना स्कूल जाना पड़ेगा और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा अपना ही। मतलब होमवर्क तो हो गया था अपना, ठीक है, और अब आ गया खाना खाने का टाइम। ये देखो पनीर और अपना चावल, पनीर तो बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, ये नाना जी के यहाँ से आया है सिर्फ बच्चों के लिए। और देखो पापा लोग तो मतलब अपनी सब्जी खा रहे हैं परमल की जो घर पे बनती है, हम पापा लोग सिर्फ देखो रात का करेक्ट 11 बज रहा है एंड हमारे यहाँ लाइट नहीं है भाई, गर्मी में बैठे हुए हैं। और जस्ट अभी मैंने लैपटॉप निकाला है, ठीक है, मतलब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मानस ब्लॉग्स। बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग अस। Waiting for